क्रिकेट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अक्षय पात्र लक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशेष अनुष्ठान होगा। इस शिविर में गोपनीय विधि से लक्ष्मी साधना संपन्न करवाई जाती है। अगर आप कर्ज, व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या UPI के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गालिनी मुद्रा की चर्चा करेंगे। गालिनी मुद्रा ये विशिष्ट प्रकार की मुद्रा मानी जाती है। इस मुद्रा का उपयोग तब किया जाता है जब शत्रुओं से संबंधित ऊर्जा को दूर किया जाए, यानी घर में नकारात्मक ऊर्जा है, चाहे नकारात्मक ऊर्जा किसी भी तरीके की हो, किसी भी स्वरूप को हो, उनको दूर करना हो, उनको हटाना हो, वास्तु दोष को निकालना हो, तब ये विशिष्ट प्रकार की मुद्रा लगाई जाती है। आमतौर पर जब शंख बजाया जाता है तो शंख बजाने के पहले ये मुद्रा लगाई जाती है। ये मुद्रा लगाने के बाद जब शंख बजाया जाता है तो शंख से जो ध्वनि निकलती है, ध्वनि जहाँ तक जाती है वहाँ तक के कीटाणु नष्ट होने लगते हैं, वहाँ तक की जो नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं वो नष्ट होने लगती है और पूरा वातावरण पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए कहते हैं जहाँ भी शंख की ध्वनि निरंतर आती रहती हो वहाँ प्राण शक्ति भरी रहती है, नकारात्मक ऊर्जा हमेशा दूर रहती है। तो शंख बजाने के पहले ये विशिष्ट प्रकार की मुद्रा पहले लगाई जाती है और फिर शंख बजाया जाता है। लेकिन ये तो शंख बजाने की बात है। आमतौर पे जब आप कोई ऐसी साधना कर रहे हैं जो शत्रु से मुक्ति पाने के लिए हो, तंत्र मंत्र से मुक्ति पाने की हो, ब्लैक मैजिक से मुक्ति पानी हो, इस तरह की अगर साधनाएं कर रहे हैं, बीमारी से बचना चाहते हैं, इससे संबंधित कोई साधना कर रहे हैं तो इस तरह की मुद्रा लगाई जाती है। क्योंकि ये मुद्रा लगाने के बाद आपके आसपास जिस घर में आप रहते हैं वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे दूर होने लगती है। तो जो लोग साधना करते हैं उनको ये मुद्रा तो लगानी ही चाहिए, जो इस तरह के पर्पज के लिए साधना करते हैं। लेकिन जो साधना में जिनका इंटरेस्ट नहीं है, सामान्य लोग भी इस मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं। ये वो लोग इस मुद्रा का उपयोग करें जिनके घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता हो, हमेशा किसी न किसी प्रकार की धन की हानि होती हो, शत्रु परेशान कर रहे हों, परिवार में क्लेश हो रहा हो, इस तरह के लोगों को भी 5 मिनट का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। इसका नाम है गालिनी मुद्रा। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, 5 मिनट का अभ्यास है। तो आइए जानते हैं इसका अभ्यास कैसे करें। गिरे ढले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर या किसी सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। इस तरह की मुद्रा को आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो आराम से बैठने के बाद एक विशिष्ट तरह की मुद्रा लगाई जाती है, लेकिन उसके पहले दोनों आंखों के बीच में यहाँ ध्यान करते हुए इस तरह की मुद्रा लगाएं। आप देखिए ये छोटी उंगली को मोड़ लेते हैं, ये मेरे हाथ दिख रही है, फिर से छोटी उंगली को मोड़ लिया और इसको जोड़ दिया। छोटी उंगली को जोड़ते हुए हाथ जोड़ते हैं, देखिए सामने से ऐसा दिखेगा, आप देख रहे हैं सामने से ऐसा दिखेगा इस तरीके की। लेकिन ये मुद्रा ऐसे लगाई जाती है इस तरीके से, हाथ जोड़ने में से इस तरीके से दिखेगा, लेकिन ऐसी मुद्रा लगाई जाती है। इस मुद्रा को लगाने की जो पद्धति है ऐसे नहीं लगाई जाती, लेकिन आप सामने से देख लीजिए ऐसा दिखता है। यानी ये छोटी उंगली को हमने मोड़ लिया और मोड़ने के बाद इसको जोड़ दिया और हाथ जोड़ लिए, सेम मुद्रा सामने से ऐसे दिखेगी, लेकिन ये मुद्रा ऐसे लगाते हैं इस तरीके से। ये लगा के दोनों आँखों के बीच में ध्यान करके 10 बार आपको प्राणायाम करना है, यानी जो उसे सांस खींचना है, जितनी देर तक हो सके रोक के रखना है और फिर धीरे से छोड़ना है। इस तरीके से 10 बार प्राणायाम करना है। ये मुद्रा को लगाने के लिए 4 से 5 मिनट का समय बहुत हो जाता है। दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो ये मुद्रा लगाने से आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा है वो नष्ट होने लगता है। अगर उस जगह पर कोई वास्तु दोष है आपके घर में तो आपको लाभ मिलता है। आपका ऑफिस कोई ऐसी जगह पर है जहाँ पर वास्तु दोष है, जहाँ पर आप बैठे हुए हैं वहाँ पर कोई वास्तु दोष है, तो ये मुद्रा लगाकर ही अपने क्लाइंट को आप हैंडल करें। आपको आश्चर्यजनक सफलता मिलेगी और सिर्फ 5 मिनट का अभ्यास है और आप देखेंगे 10 दिन 12 दिन के बाद धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा, आपको खुद महसूस होगा। देखिए पॉजिटिव जो एनर्जी होती है उसका एहसास हमारे अंतर्मन को अपने आप ही हो जाता है। आपने खुद महसूस किया होगा कि किसी ऐसे व्यक्ति के घर में गए, किसी व्यक्ति से मिलने गए, कभी कभी उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको बहुत ही एकदम नेगेटिव फील होता है और कभी कभी किसी व्यक्ति से मिलने के बाद आपको बहुत ही स्फूर्ति का एहसास होता है। इसी तरह से किसी घर में जाने के बाद आपको सफोकेशन जैसा महसूस होता है, जैसे लगता है कि कोई आपको बांध रहा है। किसी घर में जाने के बाद एकदम खुली ऊर्जा, एकदम शांत ऐसा महसूस होता है। तो हमारा अंतर्मन है उसे एक्सेप्ट कर लेता है, हमारा जो शरीर के जो रोएं हैं, हमारा जो त्वचा है उस एनर्जी को महसूस कर लेता है और हमें एहसास करा देता है कि हम नेगेटिव वातावरण में हैं कि पॉजिटिव वातावरण में हैं, ऐसा हमें एहसास हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा जब ये मुद्रा लगाते हैं तो आप जिस जगह पर हैं, चाहे अपने ऑफिस में हैं, चाहे आप घर में हैं, वहाँ का वातावरण शुद्ध होना शुरू हो जाता है। और जैसे मैंने कहा ये मुद्रा विशेष तौर पर जब शंख बजाया जाता है उसके पहले ये मुद्रा लगाई जाती है और शंख के बारे में आपको पता ही है, उसकी ध्वनि जहाँ तक जाती है वहाँ तक की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। आशा है ये मुद्रा के द्वारा आप अपने जीवन में सफल होंगे। अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की मदद अवश्य करें। धन्यवाद।